करोड़ों की लागत से बनी बद्दी साईं राम शहर सड़क नहीं झेल पाई पहली बरसात। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ से गुजरने वाले एक सड़क बद्दी साईं राम शहर 35 किलोमीटर की सड़क करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन यह करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क पहले ही बरसात नहीं झेल पाई और सड़क जगह जगह से टूट गई और सड़क किनारे लगाए गए 100 से ज्यादा डंगे भी टूटकर बह गए। अब स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप जड़े हैं। और स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सड़क के निर्माण में ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। लोगों ने अब सरकार से संबंधित विभाग और ठेकेदारों के खिलाफ जहां कार्रवाई की मांग उठाई है, वहीं उन्होंने गुहार भी लगाई है कि इस सड़क की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपी ठेकेदारों और जो भी अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस मार्ग की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक व्यक्ति सड़क के बीच आता है और जहां पर सड़क टूटी है वहां पर आकर सड़क निर्माण में की गई सामग्री को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि नीचे सड़क के कुछ भी मटेरियल नहीं डाला गया है और नीचे से बिल्कुल खाली है, जिसकी वजह से सड़क जगह जगह से धस चुकी है। और बीच में कहता है कि ये कौन से इंजीनियर ने इसे पास किया और बिल पास किया और किस हिसाब से संबंधित ठेकेदारों को पेमेंट की गई है। यहां पर भी सड़क निर्माण में करोड़ों के घोटाले होने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बारे में संबंधित कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने भी फोन तक नहीं उठाया। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। कहां से अपना देश विकास करेगा? देश तो बर्बाद होना ही होना है। बस ऐसा ऐसा हालात, एक ही जगह नहीं, हम ऊपर से भी आए हैं, बहुत जगह ऐसे ही हाल है। चलिए, वो आप लोग आगे पीछे ही दिखा रखे ही थे, जो कि कैसा हालत खराब था। और 100 मीटर दूरी जब आगे आए ना, फिर हालत बदली, नीचे लग रहा है ना, बिल्कुल मलबा पड़ा ही नहीं। ये साइड पर डंगा डाल के और इस पर से डेढ़ इंची पीछे ढाल दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ से वहाँ तक रोड फिर से पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, फाइनली इसमें कुछ रहा ही नहीं है। और पास में लगेगा पवन भाई, देखिए इसमें क्या क्या लग रहा है, कुछ है मर्जी करते हैं। है? अब देखो मेरी पौड़ियाँ पड़ती है परे। जो उसका एक बद्दी साईं राम शहर के लिए बनी, उसमें घटिया किस्म का मटीरियल और प्रॉपर जो है तकनीकी कारणों से जो है ना सरकार सड़क बैठ सड़क का बुरा हाल है। डंगे जो दीवारें लगाई गई वो नीचे जो है प्रॉपर तरीके से पक्की जगह से नहीं उठाए गए, ऊपर से नीचे से पानी चल बह रहा है, ऊपर डंगा लगा दिया गया है। जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है ये दीवारें नहीं टिक सकती। बाकी जो स्थानीय वासी है उनको बड़ी प्रॉब्लम है, आने जाने के रास्ते बंद हैं, एक साल से माल मवेशी पशु कोई भी हम नहीं ले जा सकते। और ज़्यादा जहाँ तक है इसमें सरकार, इसमें जो है कर्मचारी वर्ग प्लस ठेकेदार व्यवसायी, इनकी मिली वजह से जो है सरकार इसका जो है रोड तो बटा बटा है, प्रॉपर तरीके से जो है रोलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है सड़क जगह जगह से दरारें आ चुकी है, वो कभी भी जो है गिर सकती है। इसका जो है सही तरीके से जो है आंकलन किया जाए भी, क्या उसका सही निर्माण हुआ है या नहीं। इसका मतलब है कमीशन खोर जो है अपने ठेकेदार अधिकारी इसमें सलत पाए स्मंद बना हुआ है, इस वजह से ये है प्रॉपर सड़क का निर्माण नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी राम सिंह। क्या कहेंगे ये सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पाए? ये एक बरसात में रोड जो है मतलब डंगे डूंगे इनके ठीक है,
और जब हमने कहा भी इनको कि नीचे गहरे डग्गे देखो, तो इन्होंने जो है हमारी एक भी बात नहीं सुनी। और ये मेरे जो है 2-3 बीघे का रकबा जो है इन्होंने मिट्टी के साथ भर दिया, जिसमें कि कम से कम 35-40 खैर भी इन्होंने नुकसान कर दिया। और यहाँ पर जो है एक बुग्गी गिरी थी तो वहाँ पर इन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं आज दिन तक लगाई है। उस जगह को जो है उन्होंने पेंटिंग ही रख दिया कि और भी गाड़ी आए तो वो भी सड़ी नीचे जाए इधर सीधी, ठीक है। और ऊपर तो सारे रस्ते हमारे जो है बिल्कुल बेकार कर दिए इन्होंने। ये सड़क को क्या लग रहा है, किस वजह से हुआ, घोटाला हुआ है इसमें, करोड़ों रुपया आया था गवर्नमेंट? घोटाला गुटूला कुछ नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ इनका जो है न्यूए जो है डंगे की जो है देने की वजह से हुआ। इन्होंने ऊपर हवा में डंगे जो है प्लेन में लगा दिए, और जो मिट्टी इन्होंने डंगे के नीचे से उखाड़ के पीछे हटाई, उसी के ऊपर जो है इन्होंने पलंथ पाकर डंगे तैयार कर। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते थे कि ठीक है, ये रोड जो है ठीक ढंग से जो है तैयार करो और हमारा नुकसान भी दिया जाए। सर बहुत बुरा हाल हुआ है, अभी पहली बारिश ही हुई है, पहली बरसात ही पड़ी है, और सारे के सारे डंगे यहाँ पे गिर गए हैं। और मेरा मकान भी रोड साइड में है, मेरी मम्मी का मकान भी रोड साइड पे ही है, उसमें देखो पूरी स्लाइडिंग हो गई है। और मकान में जो भी है अच्छे से ढंग से ऊपर को इन्होंने डंगा बोला था कि हम ऊपर तक डंगा लगाएंगे, इन्होंने कोई डंगा नहीं लगाया है, वो पूरी की पूरी स्लाइडिंग हो रही है, मकान गिरने वाला है। और मेरा मकान भी रोड साइड में, वहां पे भी इन्होंने बोला था कि हम इसमें पूरा डंगा लगा के देंगे ऊपर तक, वहां पे भी इन्होंने डंगा लगाया पूरा का पूरा, जितने भी वो छोटे मोटे डंगे लगाए थे कच्चे माल से, वो पूरे के पूरे नीचे चले गए हैं। उसे सड़क सारी पूरी सड़क उतर गई है नीचे तक, सड़क फटी थी है ना, और मतलब पूरी की पूरी सड़क जो है ना है ही नहीं है। इसमें जो भी मसाला वगैरह इन्होंने लुक वगैरह बिछाई, वो भी सही ढंग का नहीं, कुछ नहीं लगाया है। जहाँ पे इन्होंने बताया कि हाँ जी जो भी अधिकारी है ना, मैंने उनको भी कंप्लेन करी, 1100 नंबर पे भी मैंने 3 बार कॉल करी कि मेरे मकान को खतरा है और मेरी मम्मी के मकान को खतरा है, गिरने वाला है वो, किसी ने नहीं सुना। मैंने इनके सभी अधिकारियों से बात करी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और अब जो है ना मेरे मकान को खतरा है, कभी भी गिर सकता है ये। बाकी हाँ जी, जगह जगह से टूट है, पूरा टूट गया। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी डंगा लगाने की, वहां पे इन्होंने लगाया, जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहां पे कहीं इन्होंने डंगा नहीं लगाया है। वहां पे पूरे में स्लाइडिंग हो गई, रोड जगह जगह से गिर रहा है, जगह जगह से डंगे गिर रहे हैं, कहीं पे भी मतलब पूरे रोड में आप कहीं पे भी देख लो ना, कहीं पे भी डंगा एक भी सही सलामत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, कुछ घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी घोटाला, जहाँ पे मतलब 1-2 लाख रुपए में सब हो जाना था, वहां पे 7-8 लाख रुपए मतलब वो किया है इन्होंने, घोटाले किए हैं, अपनी जेबें भरी है इन्होंने, साफ पता लग रहा है। आप खुद देखो रोड की हालत, देखो हमारे घरों को देखो, जहाँ पे घरों को जरूरत थी जहाँ पे डंगे लगाने की, वहां पे इन्होंने डंगे लगाए ही नहीं। मैंने बार बार बोला कि आप इसको डंगा लगाओ, तो कहते हैं यहाँ पे ना रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए आप सारा पूरा डंगा गिर गया है यहाँ पे। अब क्या चाहते हैं सर? ये डंगा हमारा पूरा का पूरा, और इनके ऊपर मकान तक ऊपर तक डंगा लगाना चाहिए, और हमारा जो भी क्लेम है वो हमें मिलना चाहिए, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा भी नहीं दिया इन्होंने, और जमीन हमारी कटिंग करके जमीन भी ली, और जमीन लिए और उसमें कोई भी हमारे को कोई खर्चा नहीं दिया इन्होंने। मेरा नाम इंद्रपाल है, गांव कारनी है, और हमारा जो सड़क का काम हुआ कंपनी तरफ से हुआ है, इसमें बहुत अच्छा हुआ, हमारे को उसका बेनिफिट मिला, अगर मिलना चाहिए था और मिला भी है, लेकिन जो काम हुआ है इसमें जो है अब पता नहीं धांधली हुई क्या जो हुआ, इसके जो है जो न्यूए वगैरह पट्टी गई इसके, मैंने जो वो कच्ची थी जो उसमें जो काफ़ी नुकसान हो गया है, लोगों का नुकसान हो गया है, सड़क का नुकसान हो गया है, और डंगे वगैरह जो है सब गिर गए नीचे जो है, और लोगों को ऊपर से मकान को खतरा हो गया है। तो हम तो यही वो करेंगे कंपनी से या सरकार से या इसी से पैसा है ब्लड बैंक से भी, इसका जो है मतलब टीक संघ से जो है वो किया जाए, और दोबारा जो है इसको काम को सही किया जाए। जो इसके मिली भक्त है, जो इनके साथ है, चाहे उसमें कोई ठेकेदार है, चाहे उसमें जो कोई इसके ऑफिसर है आगे, जो इनको जो है इनकी वो किया जाए, तो ताकि इनका जो है दोबारा सेटिंग से काम किया जाए। और लोगों को जैसे भी है माल मलेसी जो अंदर है उनके सारे रास्ते जो है बंद हो गए हैं, तो इनको भी मौके पर आके क्या किया जाए, और नीचे जो दर्द लोग जो है खासनी को जाते थे उनकी शायद जितनी भी खासनी है वो सब बंद हो गए रास्ते, उनको ले आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा तो ये है सरकार से भी इसको जो है इसका उल्लंघन किया जाए, ताकि जो है मतलब दोबारा इसका काम करके लोगों के रास्ते भी खुल जाए और लोगों का नुकसान की जो है भरपाई की जाए। उधर निचली साइड देखा के साइड में पतली सी लुक डाली हुई है नीचे मटेरियल। हाँ हाँ वही तो बात है जी, वो सारे हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें जो है ना इसका प्रॉपर ढंग से काम नहीं किया गया,
इसमें जो है ना कागजातों में कुछ है और मौके पर कुछ है, ये सब जो मिली भक्त है, चाहे वो ठेकेदारों की है, चाहे कंपनी वालों की है, चाहे इनके अफसरों की है, किसी भी है। तो हमारा तो यही अपना सर वो है सरकार से भी इसका जो है ठीक से ढंग से किया जाए, ताकि इसका जो है दोबारा लोगों को भरवाई की जाए नुकसान की, और सड़क भी ठीक ढंग से काम हो सके। हाँ, नाम है आपका जी? लीला देवी। अच्छा, रोड बना है, इसका क्या दिक्कत है? इसका दिक्कत है, हमारी सारी जमीन इन्होंने काट दी और डंगा कोई नहीं लगाया। जमीन और मकान मैंने कर्जा लेके बनाया, 50 लाख रुपया लगा मेरा मकान के ऊपर, और मैंने मना कर दी थी भाई यहाँ से खुदवाई नहीं करनी, और इन्होंने खुदवाई जबरदस्ती करी भाई डंगे लगाएंगे। मैं क्या डंगा लगाना, तब तो खुदाई करनी। इन्होंने बोला हम मकान के ऊपर तक डंगा लगाएंगे, तुम्हारे मकान को कोई आँच नहीं आएगी। और इन्होंने खाली रख दी, ना वो पढ़ाई करी, ना डंगा ऊपर लगाया, हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना विशाल ने सुनी, ना वो दूसरा था क्या विक्रम, उसने नहीं सुनी। और जो पहले आया था जिस टाइम दे पटवारी कानू गो आए थे या उस टाइम